एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी। और साथ ही में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे आप इसे बिना केमिकल और बिना प्रिजर्वेटिव्स के लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम यानी 100 ग्राम के करीब लहसुन। इस लहसुन के मैंने अच्छी तरह से छिलके निकाल लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 70 ग्राम यानी 70 ग्राम के करीब अदरक। इस अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखाकर उसका छिलका निकालकर उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है ताकि उसे पीसने में हमें आसानी हो। अदरक और लहसुन की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग अदरक और लहसुन दोनों की क्वांटिटी को सेम अमाउंट में लेना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लहसुन के लिए 70 ग्राम अदरक का यूज किया है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर टेस्ट। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि अदरक को धोने के बाद आप अच्छी तरह से इसे सुखा लीजिए। पानी का एक ड्रॉप भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब इस पेस्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सर का जार। इस जार को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और अब अपने अदरक और लहसुन को हम इस जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम पानी भी नहीं डाल रहे हैं और क्वांटिटी भी कम है, इसलिए हमें इसका पेस्ट बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसके लिए आप मिक्सर को थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहिए, एक स्पून या स्पैचुला की मदद से इसे बीच बीच में हिलाते रहिए और थोड़ी देर में आपको एकदम स्मूथ पेस्ट इसका मिल जाएगा। ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम तैयार हो गया है। इसे मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और अब हम देखेंगे कि इसे हम लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब तेल। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से हम गरम करेंगे। ये जो तेल रहेगा इसे हम अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट में डालेंगे और ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तेल को गरम करते ही इसे हम अपने जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था उसमें डालेंगे और यहाँ मैं स्पून से आपको डाल के दिखा रही हूँ। आप देखिए कि तेल के डालते ही उसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल हमारा इतना ज्यादा गर्म होना चाहिए, उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो खराब नहीं होगा। और इसके बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब नमक। नमक भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 ग्लास जार। आप भी इसे ग्लास जार में ही स्टोर कीजिए, क्योंकि अगर हम इसे प्लास्टिक में स्टोर करेंगे तो इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आप जो ग्लास जार यूज कर रहे हैं उसका कैप भी एयरटाइट होना चाहिए। एयरटाइट कंटेनर का यूज कीजिए जिससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। अब इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम इस ग्लास कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे आप अपने फ्रिज के कूलेस्ट एरिया में रखिए, यानी वहां पर रखिए जहां पर आपके फ्रिज की ठंडक ज्यादा हो। इसे डोर में बिल्कुल भी मत रखिए क्योंकि डोर में उतनी कूलिंग नहीं हो पाती है। हालांकि आजकल जो नई टेक्नोलॉजी के फ्रिज आते हैं उसमें काफी हद तक डोर्स में भी कूलिंग रहती है। इस तरह से उनकी कूलिंग डिवाइड रहती है कि वो डोर में भी उतना ही कूल करते हैं। अगर आपका फ्रिज वैसा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे फ्रिज के फर्स्ट शेल्फ में एकदम पीछे की तरफ रखिए जहां ठंडक ज्यादा रहती है। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आप 15 से 20 दिन तक आराम से यूज कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये बिल्कुल खराब भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और साथ ही में अर्बन रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास ही में एक घंटी का भी बटन है, उसे जरूर से प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में घंटी बज जाए और आप अर्बन रसोई का एक भी वीडियो मिस ना करें। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।